ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम के बागी प्रत्याशी सुखराम हेमरम जेएमएम का खेल बिगाड़ सकते हैं। ईचागढ़ के ग्रामीण इलाकों में सुखराम की अच्छी पकड़ है और जेएमएम के जिला सचिव और केंद्रीय संगठन में वो अपनी अहम योगदान दे चुके हैं। ऐसे में सुखराम के बागी होने से ईचागढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। चरण के रन को लेकर जो योद्धा है वो मैदान में है, लेकिन हमारे साथ एक आज ऐसा योद्धा है जो लगातार जनता से रूबरू होते रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का अपना गाइडलाइन और पार्टी के साथ बनाव नहीं हुआ, तो इन्होंने जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए और जनता के डिमांड पर सीधे वो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ईचागढ़ से चुनाव मैदान में हूं। हमने 35 साल से देखा इस क्षेत्र को, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके कार्यकर्ता के नाते हम जन जन तक गांव गांव तक पहुंचने का काम किया। गांव के लोगों से बहुत मैंने बढ़िया तरीका से हम लोग मिले। चुनाव के वक्त हम लोग बहुत आश्वासन भी दिए, वादा भी किए, लेकिन आज तक बहुत ऐसी ईचागढ़ विधानसभा में गांव है जहां तक आज विकास नहीं पहुंच पाया है। तो हमको लगा पार्टी में रह करके कार्यकर्ता के नाते प्रयास करते थे, लेकिन पूरा हमने नहीं कर पाए, इसीलिए जनता का भी आवाज था और मैं आज चुनाव मैदान में हूं। सर, चौमुखी विकास निश्चित तौर पर यह बड़ी जवाबदेही आपके कंधे पे पड़ेगी, जनता ने आपको मैदान में उतारा है, जनता के कहने से उतरे हैं। सर, कौन ऐसा काम है जो पहली प्राथमिकता? सबसे पहले प्राथमिकता है यहाँ सभी लोग किसानी माने खेती काम से ही अपना जीविका चलाते हैं, उसके अलावा माने अपना रोजी रोजगार का कोई ऐसा स्रोत ही नहीं है, साधन ही नहीं है। मेरा प्रथम मुद्दा है यहाँ का खेत में जो बचा हुआ खेत है, जमीन है, 365 दिन साल में 12 महीना सिंचाई का व्यवस्था मेरा प्रथम मुद्दा है। निश्चित तौर पर यह बड़ी बात इन्होंने कही कि इस इलाके का ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र को अगर आप देखें तो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चांडिल डैम के जो विस्थापित है 185 गांव के लोग, जब बाढ़ आता है तो ये लोग दिन हो या रात पानी में ही पड़े रहते हैं, लेकिन इनकी पहली प्राथमिकता होगी कि जो विस्थापित की जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत और मधुसूदन के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।